हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश सिंह पे। तो आप सभी ने पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में तो सुना ही होगा और आप सभी को ये बहुत टफ भी लगती होगी, है ना। बट आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको पॉजिटिव वर्ब्स बिल्कुल टफ नहीं लगेंगी। बहुत सारी पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं, जैसे गेट है, मेक हैव है, लेट है, कीप है ना। तो सो मेनी पॉजिटिव वर्ब्स आर देयर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अबाउट लेट। ठीक है, लेट का यूज़ हम करना सीखेंगे कि लेट का यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, सो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज का इस वीडियो को देखने के बाद आप लेट का यूज़ करके सेंटेंसेस को बना भी सकते हो और प्रैक्टिकली अपना इंग्लिश कन्वर्जेशन में आप लेट का यूज़ करके सेंटेंसेस को बोल भी सकते हो। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप बहुत कुछ सीखने वाले हो इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेयर यू कैन सी पॉजिटिव वर्ब्स। तो हम आज करने जा रहे हैं यूज ऑफ लेट, लेट का यूज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट का यूज करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका यूज हम कौन से सेंटेंसेस में करते हैं जिसमें होता है लाइक करने देता है, करने देता है। ठीक है, जिसमें कुछ भी हो, लाइक वह उसे मार्केट जाने देता है, वह उसे लिखने देता है, वह उसे पढ़ने देता है। ठीक है, तो या तो आपको कोई परमिशन देता हो और या आप किसी को परमिशन देते हो, उन दोनों ही केसेस में लेट का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट प्लस लेट या लेट्स प्लस ओसी, ओसी मतलब है यहाँ ऑब्जेक्टिव केस, प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है। ये हम करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज़, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं इसका यूज़, हम सिंपल पास्ट में करते हैं, तो ये है सिंपल फ्यूचर। तो आज हम सिर्फ फ्यूचर, तो आज हम सिर्फ सिंपल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, सिर्फ तीन टेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, सो टेंसेस के बारे में तो ऑलरेडी आपको पता होगा। ठीक है, पता होगा ना टेंसेस कौन कौन से होते हैं। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, जिसकी पहचान होती है, ता है, ते है, ती है, वह लिखता है, वह गाता है, वह आता है, ठीक है, वह बाजार जाता है। सो ता है, ते है, ती है, पहचान किसकी होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। बट यहाँ ता है, ती है, वह जाता है, वह गाता है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या करना है हमने, जब हम लेट का यूज करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा वह करने देता है। तो करने देता है कि सेंस में हमें इसे यूज करने के, मतलब जब आप किसी को परमिशन देते हो किसी काम को करने की, या सामने वाला आपको परमिशन देता है किसी काम को करने की, ठीक है, उसके लिए हमने लेट का यूज करना है। सो ऐसे ही हम अगर पास्ट की बात करें, सिंपल पास्ट की था, थे, थी पहचान होती है, बट यहाँ हम इसकी लेट का यूज करेंगे पास्ट में, करने दिया की सेंस में। ठीक है, करने दिया, लाइक मैंने उसे लिखने दिया, मैंने उसे गाने दिया, मैंने उसे जाने दिया, ठीक है, मैंने उसे कुछ भी खाने दिया, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो अगर हम बात करें सिंपल फ्यूचर की, सिंपल फ्यूचर की आप सभी को पता है सिंपल फ्यूचर की पहचान क्या होती है, गा गे गी, वह गाएगा, लिखेगा, नाचेगा, ठीक है, ओके, आएगा, दिल्ली जाएगा, ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है गागे गई। बट यहाँ इसका जो हम करेंगे लेट का यूज सिंपल फ्यूचर में, उसका क्या मतलब होगा, करने देगा, करने देगा या करने देगी। ठीक है, ओके, करने देगा या करने देगी, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस को, अभी ध्यान से देखिएगा, अभी ध्यान से देखिएगा मैंने यहाँ स्ट्रक्चर क्या लिखा है कि शी लेट, उसके बाद ओ सी, ओ सी मतलब जैसे अभी आपको बताया है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, लाइक मी, हिम, हर, देम, अस, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, तो इनका यूज हम करेंगे यहाँ इसकी जगह पे। उसके बाद जो वर्ब है फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट में देख लेते हैं कि प्रेजेंट में इसका यूज कैसे करते हैं, इसका क्या मतलब, किस सेंस में करना है हमने यूज, करने देता है। ठीक है, वह उसे आने देता है, वह उसे लिखने देता है, ठीक है, वह उसे पढ़ने देती है। ठीक है, सो वह उसे आने देता है, तो कैसे लिखेंगे, ही, ठीक है, ही का हो गया वह, तो ये सब्जेक्ट हो गया ही, तो अब ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, लेट लगेगा या लेट्स लगेगा, लेट्स लगेगा ऑब्वियस है, सो ही लेट्स, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, वह उसे आने देता है, ही लेट्स हिम, उसके बाद वर्ब लगेगा कम, ठीक है, ही लेट्स हिम कम हेयर, अगर आप लिखना चाहते हो कि यहां आने देता है तो कम हेयर लिख दो। ठीक है, उसके बाद एक और सेंटेंस देख लेते हैं कि वह उसे पढ़ने देती है, पढ़ने देती है, शी लेट्स हिम रीड, पढ़ने का रीड आ गया, क्या देती है, पढ़ने, बुक,
रीड द बुक, तो शी लेट्स हिम रीड द बुक, वह उसे किताब पढ़ने देती है। ठीक है, और सेंटेंस देखते हैं। तो अगर मान लो यहां सिंगुलर की जगह प्लूरल हो तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? अगर मान लीजिए ये सब्जेक्ट है जो सिंगुलर की जगह प्लूरल हो तो हम लिख सकते हैं कि दे लेट देम प्ले, दे लेट देम प्ले, वे उन्हें खेलने देते हैं। ठीक है, दे उसके बाद लेट और लेट्स में से, क्योंकि ये प्लूरल है तो लेट आ गया, ऑब्जेक्टिव केस का देम आ गया, यहाँ वर्ब क्या आ गया, प्ले आ गया। अगर ऑब्जेक्ट है तो आप क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन कुछ भी आगे लिख सकते हो। तो दे लेट देम प्ले, वे उन्हें खेलने देते हैं। ठीक है, देता है, देखो करने देता है या करने देती है, इस सेंस में अगर आप कुछ भी बोलना चाहो, कुछ भी लिखना चाहो, तो आपने इस स्ट्रक्चर से सेंटेंस को फॉर्म करने हैं। ठीक है, समझ आया सभी को? आगे देखिए, अगर इसी का यूज हमें पास्ट में करना हो, पास्ट में हम इसका यूज कैसे करेंगे कि सब्जेक्ट है फिर लेट है। देखो यहां हमें प्रेजेंट में करना था तो ये लेट फर्स्ट फॉर्म का हमने यूज किया, अब यहां हमें पास्ट में इसका यूज करना है तो ये जो लेट है ये सेकंड फॉर्म है लेट की, लेट लेट लेट। ठीक है, सेकंड फॉर्म है। सो क्या आ जाएगा, उसने उसे गाने दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लिखना चाहते हैं कि उसने उसे गाने दिया, उसने उसे खाने दिया, उसने उसे नाचने दिया, उसने उसे पढ़ने दिया। ठीक है, सो दे लेट देम प्ले। ठीक है, उन्होंने, देखो दे लेट देम प्ले, उन्होंने उन्हें खेलने दिया। ठीक है, शी लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, शी लेट हिम सिंग अ सॉन्ग। देखो अभी लेट है ये पास्ट में हो जाता है, शी लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, उसने उसे गाना गाने दिया। ठीक है, उसने उसे गाना गाने दिया, इसको हम पास्ट के सेंस में यूज कर रहे हैं, याद रखने हैं। कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए राहुल ने मुझे खाने दिया। ठीक है, खाने दिया, सो राहुल लेट मी ईट, राहुल ने मुझे खाने दिया, सो राहुल लेट मी ईट। ठीक है, क्लियर, समझ आया सभी को? सो ऐसे ही आप लेट का यूज करके बहुत से सेंटेंसेस इस पैटर्न को फॉलो करके बना सकते हो। यहाँ ओसी का मतलब ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस याद रखना है, मी होते हैं, हिम होते हैं, हिज होते हैं, दे देम होते हैं, ठीक है, और अस होते हैं। उसके बाद देखिए कि अगर इसका यूज हमें करना हो फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर के लिए करना है, जैसे करने देगा या करने देगी या करने देंगे। ठीक है, सो उस केस में हम कैसे यूज करेंगे, उस केस में हम विल का यूज करेंगे, लाइक शी विल लेट हर राइट अ लेटर। ठीक है, शी विल लेट, देखो शी मैंने सब्जेक्ट की जगह पे शी लिख दिया है, उसके बाद विल लिख दिया, उसके बाद लेट लिख दिया, ओ सी ऑब्जेक्टिव केस की जगह मैंने हर लिख दिया, राइट वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, शी विल लेट हर राइट अ लेटर, वह उसे पत्र लिखने देगी। ठीक है, लिखने देगी। ही विल लेट हिम कम इनसाइड, ही विल लेट हिम कम इनसाइड, वह उसे अंदर आने देगा। जो फ्यूचर की बात हो रही है, अंदर आने देगा, फ्यूचर में वह उसे लिखने देगा, वह उसे गाने देगा, वह उसे जाने देगा, वह उसे पढ़ने देगा, वह उसे सोने देगा। कोई भी सेंटेंस आप इनकी हेल्प से फॉर्म कर सकते हो, ठीक है, जो आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एक बार दोबारा से शॉर्ट में बताता हूँ, सिंपल प्रेजेंट में अगर हमें बनाना हो तो लेट या लेट्स का यूज़ करेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लेट्स लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो लेट लिखेंगे। तो इसका सेंस हम करते हैं करने देते हैं, करने देते हैं कि सेंस में, दे लेट देम प्ले, वे उन्हें खेलने देते हैं, ही लेट्स हिम कम हेयर, वह उसे आने देता है। ठीक है, अगर हम पास्ट में करेंगे तो सिंपली लेट का यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म लेट होती है। ओके, पास्ट में हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। सो दे लेट देम प्ले, उन्होंने उन्हें खेलने दिया, राहुल लेट मी ईट, राहुल ने मुझे खाने दिया, शी लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, उसने उसे गाना गाने दिया। ठीक है, फ्यूचर के लिए शी विल लेट हर राइट अ लेटर, वह उसे पत्र लिखने देगी। ठीक है, ही विल लेट हिम कम इनसाइड, वह उसे अंदर आने देगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया है। अगर उसके बाद आगे हम बात करें इंटरोगेटिव के, देखिए ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस।
ठीक है। अगर उसके बाद हम बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो अगर आप नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना चाहते हो कि उसने उसे नहीं जाने दिया, उसने उसे नहीं आने दिया, नहीं खाने दिया, नहीं बैठने दिया, नहीं उठने दिया, नहीं सोने दिया, नेगेटिव सेंस में यूज़ करने हैं। सो ये जो सिंपल प्रेजेंट है इसके साथ आप डू और डज का यूज़ करते हो, ठीक है, डू और डज का यूज़ करते हो सब्जेक्ट के जस्ट बाद, ठीक है। सो करके दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ। तो डू और डज का यूज़ करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए, प्लस नॉट लगाएंगे हम, ठीक है। सो ही डज नॉट लेट हिम गो आउट, ही डज नॉट लेट हिम गो आउट, वह उसे बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है। ही डज नॉट लेट हिम गो आउट, बाहर नहीं जाने देता है। शी, ओके, दे का यूज करते हैं, दे डू नॉट लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, दे डू नॉट लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, वे उसे गाना गाने नहीं देते हैं। सो नेगेटिव फॉर्म में करोगे तो प्रेजेंट में आप डू और डज का यूज करोगे प्लस नॉट का यूज करोगे, ठीक है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो डज का यूज होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज होगा, क्लियर है। आगे देखिए, शी लेट, ठीक है, अगर यहां हमने करना है यूज, मतलब यहां भी अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हो, सो यहां क्या यूज करेंगे हम, डिड नॉट का यूज कर देंगे, डिड नॉट का यूज कर देंगे टू मेक इट नेगेटिव, ठीक है। दे डिड नॉट लेट देम प्ले, शी डिड नॉट लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, राहुल डिड नॉट लेट मी ईट, ठीक है, राहुल ने मुझे खाने नहीं दिया, शी डिड नॉट लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, उसने उसे गाने नहीं दिया। सो अगर नेगेटिव में बनाना है तो डिड नॉट लगेगा यहाँ, नेगेटिव में बनाना है डू और डज नॉट लगेगा, ठीक है। अगर इसको नेगेटिव में बनाना है तो सिंपली विल के बाद आपको नॉट ऐड करने हैं। सो शी विल नॉट लेट हर राइट अ लेटर, वह उसे लेटर नहीं लिखने देगी। ही विल नॉट लेट हिम कम इनसाइड, वह उसे अंदर आने नहीं देगा। ही विल नॉट लेट हिम कम इनसाइड, मतलब वह उसे अंदर आने नहीं देगा, ठीक है, क्लियर। आई होप समझ आ गया होगा यहाँ तक आपको, ठीक है। उसके बाद देखो, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का आपको बता दिया है, नेगेटिव सेंटेंसेस का आपको बता दिया है। अब अगर हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपने कैसे बनाने हैं, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। तो सिंपली आपने कुछ नहीं करना है, ये जो डू डज या डिड है इनको आपने सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज कर देना है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लेते हैं, अगर आप इन्हें इंटरोगेटिव में बनाना चाहते हो, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बनाना चाहते हो। सो वैसे ही सेम है जैसे हमने डू और डज का यूज करके नेगेटिव बनाए हैं, बस डू और डज को आप बिगनिंग में रखोगे, ठीक है। सो डू दे लेट देम डांस, ठीक है, डू दे लेट देम डांस, क्या वे उन्हें डांस करने देते हैं, डू दे लेट देम डांस, क्या वे उन्हें डांस करने देते हैं। डज शी लेट हर ईट अ चॉकलेट, ठीक है, डज शी लेट हर, सो डज क्या है हमने बिगनिंग में लगती है, अगर शी है तो शी है तो यहां डज आ जाएगा, मीन्स अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो डज आ जाएगा, प्लूरल है तो डू आ जाएगा, बस इनको हमने बिगनिंग में रखना है इफ यू वॉन्ट टू फ्रेम इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो डज शी लेट हर ईट अ चॉकलेट, क्या वह उसे चॉकलेट खाने देती है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम पास्ट में बना देते हैं तो क्या आ जाएगा, डिड शी लेट हर ईट अ चॉकलेट, क्या वे उसे चॉकलेट खाने देती थी, ठीक है, यहां देती है, यहां देती थी, ठीक है। डू यू, ओके सॉरी डू नहीं डिड यू लेट हिम, डिड यू लेट हिम प्ले क्रिकेट, डिड यू लेट हिम प्ले क्रिकेट, क्या तुम उसे क्रिकेट खेलने देते थे, डिड यू लेट हिम प्ले क्रिकेट, क्या तुम उसे क्रिकेट खेलने देते थे, ठीक है। सो इस तरह के सेंटेंसेस को अगर आपने फ्रेम करने हैं, इंटरोगेटिव बनाना चाहते हो, तो डिड का यूज आप फ्रंट में करोगे, बाकी का स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, ओसी मतलब ऑब्जेक्टिव केस, बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। यहाँ हम विल का यूज बिगनिंग में कर लेंगे टू मेक इंटरोगेटिव, सो उसमें कैसे लगेंगे, उसमें कैसे लिखेंगे हम, विल दे
लेट देम स्लीप प्रॉपरली. विल दे लेट देम स्लीप प्रॉपरली, क्या वे उन्हें अच्छे से सोने देंगे? विल दे लेट देम स्लीप प्रॉपरली, क्या वे उन्हें अच्छे से सोने देंगे? विल यू लेट मी कम इनसाइड? विल यू लेट मी कम इनसाइड, क्या आप मुझे अंदर आने देंगे? ठीक है, विल यू लेट मी कम इनसाइड, क्या आप मुझे अंदर आने देंगे? ठीक है, सो समझ आया आप सभी को? दोबारा से शॉर्ट में बता देता हूँ. ठीक है, अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो डू और डज का यूज हम बिगनिंग में करेंगे. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगेगा, सिंगुलर है तो डज लगेगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा. यहाँ पास्ट में बनाना है और इंटरोगेटिव बनाना है सो डिड का यूज करेंगे, डिड बिगनिंग में लगेगा. सो डिड शी लेट हर ईट अ चॉकलेट, क्या उसे चॉकलेट खाने दे दी थी? यहाँ अगर हमें फ्यूचर में बनाना है, इंटरोगेटिव में बनाना है तो विल बिगनिंग में लगेगा. ठीक है, विल दे लेट देम स्लीप प्रॉपरली, क्या वे उन्हें अच्छे से सोने देंगे? विल यू लेट मी कम इनसाइड, क्या आप मुझे अंदर आने दोगे? ठीक है, सो क्वेश्चन पूछ रहे हो. सो आई होप आपको लेट का यूज समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब आप बहुत अच्छी तरह से लेट का यूज करके अपने लिए सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो, बोलने के लिए कर सकते हो, लिखने के लिए कर सकते हो. ठीक है, कोई भी किसी तरह का भी अगर इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. हाँ, और लेट के साथ कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करके कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए. ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, और आप लोगों के फ्रेंड्स को भी इस चीज़ का पता चले. ठीक है, वो भी इंग्लिश में कुछ सीख लें. इसलिए हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना. ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसी ही और वीडियोस देखने को मिल सके, जिससे आप डेली डेली इंग्लिश में नई नई चीज़ें सीख सकते हो. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.